नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई शास्त्री गुरुजी सूरत गुजरात से हमारे YouTube चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय घड़ी में एग्जैक्ट 12:15 हो गया है, रात्रि का समय है और ये प्रयोग आपको शुक्रवार के शुक्ल पक्ष के दिन करना है। जब भी कोई लड़का और लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और उसके बाद में जैसे ही शादी की बात आती है तो लड़का पीछे हट जाता है या लड़की पीछे हट जाती है, तो उसको लग्न और शादी के लिए किस प्रकार से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं मेंटली, उसके लिए हम आज आपको ये प्रोग्राम बताने जा रहे हैं कि आप लग्न योग वशीकरण कैसे कर सकते हैं उसको शादी के लिए, शादी के पर्पज से। क्योंकि अब जब 3-4 साल आपने रिलेशन में रहे हैं, हर प्रकार से आपके अंदर संबंध रहा है, तो फिर आपको उसके साथ में शादी करना ही पड़ेगा और उस रिश्ते को निभाना ही पड़ेगा। जो लड़का या लड़की बीच रास्ते में साथ छोड़ देते हैं, उसके लिए मेरा खास ये प्रोग्राम है वशीकरण का। इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ही सामने वाला लड़का हो या लड़की, शादी के लिए 100% वो करना ही पड़ेगा उसे शादी। इसे लग्न योग वशीकरण कहते हैं, शादी के लिए सामने वाले को प्रिपेयर करना मेंटली, और उसके परिवार को भी वह कन्वेंस कर सकेगा, इतना वो आपके प्यार में पागल हो जाएगा। तो इस वशीकरण को करने के लिए शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन, आपको इस प्रकार से आटे के एक पुतला बनाना पड़ेगा, लेडीज़ के नाम का, एक जेंट्स का नाम का। आप लड़की के लिए, शादी के लिए वशीकरण कराना चाहते हैं तो आपको आटे का पुतला रात को ठीक 12 बजे बनाना है, उसके ऊपर एक नींबू रखना है और अपने कुल देवता के नाम से, जिसको भी आप मानते हैं उसके नाम से 5 अगरबत्ती करना है और हल्दी की 8 गांठ उसके चारों तरफ रखनी है। सफ़ेद कलर का वस्त्र पुतले के ऊपर, लड़की के पुतले के ऊपर रहेगा और आपका कपड़े का पुतला लाल कलर के वस्त्र के ऊपर कपड़े का रहेगा, काले कलर का, और लड़की का फोटो जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं शादी के लिए प्रिपेयर, उसका फोटो व्हाइट कलर के, सफ़ेद कलर के कपड़े के नीचे रखे, ऊपर रखेंगे और एक पुतला, एक फोटो आपका रहेगा, वो आपका रहेगा कपड़े के पुतले के ऊपर, लाल कलर के वस्त्र के ऊपर आप फोटो रख के एक पुतला रखना है इसके ऊपर। फिर दोस्तों, ये जो पुतला आप बनाएंगे, ये पुतला गेहूं के आटे का, चने के आटे का और उड़द के आटे का, इन तीनों प्रकार के, इसे बोलते हैं उड़द, एक मिक्सर में थोड़ा पीसना पड़ेगा 1/2 kg जैसा, और ये तीनों आटे का मिक्स पुतला बनेगा। रात को 12 से 3 बजे का समय, खुला आसमान रहेगा, आपका फेस पूर्व दिशा की ओर रहेगा, लाल कलर का आसन रहेगा और लाल कलर का ही आपका वस्त्र पहनेंगे आप। और फिर उसके बाद में आपको, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो सिद्धहत्ता जोड़ी, ये है सिद्धहत्ता जोड़ी, वो रखेंगे आप लड़की के पुतले के बीचों बीच में, और सिद्ध सियार सिंगी रखेंगे आपके ऊपर, पुतले के ऊपर, जो आपके नाम का है। आप जेंट्स हैं और किसी लड़की को शादी के लिए वश में करना चाहते हैं, फिर दोस्तों थोड़ा सा सिंदूर पुतले के ऊपर डालेंगे और मंत्र बोलेंगे। जब आप ये डालेंगे तो ओम वीर हनुमन्ते नमः, सिंदूर के ऊपर ओम वीर हनुमन्ते नमः मंत्र बोलेंगे और इस प्रकार से आपको पुतले के ऊपर सिंदूर डालना है। और जो आपके नाम का कपड़े का पुतला रहेगा उसके ऊपर कुमकुम डालना है इस प्रकार से, क्रॉस में इस प्रकार से, और उसके ऊपर आप दोनों का नाम, नींबू के ऊपर आपका नाम प्लस जिसको अभी आप शादी के लिए वश में करना चाहते हैं उसका नाम, और कोई लड़की अगर वश में करना चाहती है तो भी इसी प्रकार से पुतला बनेगा, एक आपके नाम का, लेडीज अपने नाम का बनाएगी और जेंट्स का नाम का भी बनाएगी। इस प्रकार से दो पुतले बनाने के बाद में फिर आप थोड़ा सा भोग देने के लिए पतासे रहेंगे जो शक्तियों को भोग देंगे, और जो मंत्र बोलेंगे
और सामान्य से हवन सामग्री रहेगी और उसकी आहुति देंगे और मंत्र इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए अच्छे से। फिर बाद में मेन इस प्रयोग में मंत्रों का मेन महत्व रहता है। इस मंत्र को आप अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 108 आहुति देंगे और विद इन 1 वीक के अंदर लड़का हो या लड़की शादी के लिए पूरा मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा और अपने परिवार को भी ही मनाएगा, खुद तो मानेगा ही शादी के लिए और अपने परिवार को भी प्रेशर देके मना ही देगा और पागल हो जाएगा शादी करने के लिए आपके लिए। और ये मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम नमो कामदेवाय कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध अमुक की जगह जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, मम वश्य आकर्षित आकर्षित कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप मंत्र की 108 आहुति देंगे। ओम नमो कामदेवाय कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध अमुक, जैसे इसका नाम है शीतल, और शीतल मम वश्य वश्य आकर्षित आकर्षित कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो कामदेवाय कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध शीतल मम वश्य वश्य आकर्षित आकर्षित कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आप सिर्फ 108 इस प्रयोग में मंत्र को आपको सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि 12,500 मंत्रों से सिद्ध करो, लेकिन ये जो प्रयोग है इसमें आपको किसी प्रकार का मंत्र को सिद्ध करने के लिए अपने आप में ही मंत्र सिद्ध है और ये क्रिया जो है, ये जो प्रयोग है वो अपने आप में ही सिद्ध है। ये आजमाया हुआ है, सफल है, सिद्ध है। इस प्रयोग को मैं आपको होली के ऊपर भी करने के लिए बताने वाला था, लेकिन किसी कारणवश समय के अभाव में मैं आपको ये प्रयोग नहीं बता पाया। लेकिन आप इस प्रयोग को आप हर शुक्रवार के शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्रवार को आप जो 15 दिन रहेगा शुक्ल पक्ष का, उसमें जो शुक्रवार आएंगे, 2 आते हैं 3 आते हैं, उस शुक्रवार के दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। फिर दोस्तों 108 आहुति देने के बाद में आपको इस नींबू को और हथा जोड़ी को अपने यथा स्थान पर वापस रख देंगे और सिया सिंगी को भी वापस ले लेंगे और फिर इस पुतले को और इसको दोनों को आपको एक करना है। दोनों पुतलों को आपस में इस प्रकार से बांध देना है, एक लाल कलर के धागे में इस प्रकार से बांधना है और इसको लाल कलर के वस्त्र और सफ़ेद कलर के वस्त्र में बांधने के बाद में आपको किसी शमशान के किनारे या किसी निर्जन स्थान पर इस प्रकार से इस पोटली को आप दूसरे दिन शनिवार के दिन शाम सूर्यास्त के बाद आपको ले जाकर डालना है। जब ये रात को प्रयोग आपका संपन्न हो जाएगा तो इस एक पोटली को आप एकांत में रख देंगे 108 आहुति देने के बाद में, और फिर दूसरे दिन सैटरडे को सूर्यास्त जैसे होगा 6 बजे से लगाकर आप 9 बजे तक 10 बजे तक इस पोटली को आप किसी निर्जन स्थान पर जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो इस पोटली को आपको डालना है। शमशान के किनारे डाले तो और भी अच्छा है, नहीं तो ये पीपल के नीचे नहीं डालना है इस प्रयोग को। इस पोटली को आप वो डालने के बाद में आपको वापस घर पे आके भगवान जिसको भी आप अपने इष्ट देव हैं या माता कामाख्या देवी को उसके नाम से एक पानी वाला नारियल अर्पित करना है और भगवान बजरंग बली के लिए भी एक नारियल, 2 नारियल वापस घर पे आकर श्रीफल को आप वधेर कर भगवान के लिए प्रार्थना करता है कि हे शनिवार के दिन हे बजरंग बली हे माता कामाख्या देवी इस प्रयोग को मेरे को सफल बनाए, धन्यवाद नमस्कार। और यदि आपको मेरा यह प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे प्रयोग कठिन जरूर है लेकिन कारगर है, सफल है, सिद्ध है। वशीकरण साधना दोस्तों कोई सरल साधना नहीं है, जितना आप देखने में सरल लगती हैं उतनी सरल साधना नहीं है। इस साधना को करने के लिए एक प्रॉपर सिद्धि चाहिए, मंत्र को सही उच्चारण चाहिए। अगर 108 मंत्र ही आप से विधि विधान से बोल लेते हैं तो भी आपका काम सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा। धन्यवाद नमस्कार।